नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गीत से अंग्रेजी का ज्ञान देकर बच्चों को सिखा रहे टीचर। बिहार में जानलेवा बने सिल्ट व धूलकण। एशियन अंडर 19 रग्बी चैंपियनशिप के लिए बिहार के इन बच्चों का हुआ चयन। बिहार शिक्षक नियुक्ति के छठे चरण की काउंसलिंग अगले सप्ताह हो सकती है शेड्यूल। अगले साल इस टीम के खिलाफ वापसी कर सकते हैं जसप्रीत बुमराह। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 6 गोल्ड जीतने वाली कृति को राजद ने किया सम्मानित। जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम सब जूनियर वर्ग में 6 गोल्ड मेडल जीतने पर बिहार की राजधानी पटना के रुखसपुर की रहने वाली कृति राज सिंह को राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम द्वारा पार्टी की ओर से 25,000 रुपए का चेक, लालू प्रसाद पर लिखित पुस्तक गोपालगंज से रायसेना और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि यह जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। इस दौरान राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बिहार की बेटी ने कॉमनवेल्थ गेम में भारत और बिहार का नाम रोशन किया है। इससे बिहार के सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब शाम को भी मिलेगी ओपीडी सेवा। बीते दिन मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं को लेकर आदेश जारी किया है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार अब बिहार के सरकारी अस्पतालों में सभी मरीजों को ओपीडी सेवा दिन में 2 बार दी जाएगी। पहली पाली सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि ओपीडी में निबंधन का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही मरीजों के परिजनों को सुविधा दी जा सके, इसके लिए ओपीडी काउंटर पर हेल्पर की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। गया जिले के सभी सीओ को निर्देश, जमीन से संबंधित समस्या करें दूर। बिहार के गया जिले के पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के जनता दरबार में उनके सामने दाखिल खारिज, परिमार्जन, भू लगान एवं ऑनलाइन लगान सुधार संबंधी आने वाले शिकायतों को देखते हुए उन्होंने जिला के सभी अंचलाधिकारियों यानी कि सीओ को निर्देश देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि जमीन से संबंधित जो भी समस्या है जिससे आम लोगों को परेशानी होती है उन्हें जल्द से जल्द सुलझा दिया जाए। बता दें कि जमीन से जुड़े यह सारे मामले अधिकारियों के द्वारा सप्ताह में 2 दिन बुधवार एवं बृहस्पतिवार के दिन पंचायत वार कैंप लगाकर सुलझाए जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि यह कैंप सभी अंचल के पंचायत सरकार भवन तथा अंचल मुख्यालय में लगाया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने सेशन की लेट लतीफी, कुलपतियों पर लगाया जुर्माना। पटना हाईकोर्ट के द्वारा उन विश्वविद्यालयों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया है जो बच्चों का सही समय पर परीक्षा लेने में या रिजल्ट जारी करने में लेट लतीफी करते हैं। बता दें कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और जस्टिस पार्थ सारथी के द्वारा विश्वविद्यालयों को कड़ी चेतावनी देते हुए 5 VV के कुलपति पर 5,000 जुर्माना लगाया गया है। जिन 5 VV को जुर्माना लगाया गया है उनमें मगध VV, पाटलिपुत्र VV, वीर कुंवर सिंह VV, पूर्णिया VV और LNMU शामिल है। जुर्माना की राशि पटना हाईकोर्ट एडवोकेट क्लर्क वेलफेयर एसोसिएशन में जमा कराई जाएगी। इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय के रजिस्टर को हाजिर होने का आदेश दिया है। धन कुबेर निकले आईपीएस आदित्य। आय से अधिक संपत्ति को लेकर आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद विशेष निगरानी इकाई के द्वारा उनके सभी ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बता दें कि विशेष निगरानी इकाई टीम के द्वारा पटना के दानापुर स्थित वासी अपार्टमेंट, गाजियाबाद एवं मेरठ में स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति यानी कि कुल 1,37,00,000 से अधिक का डीए केस दर्ज किया गया है। वहीं से लेकर कोर्ट के द्वारा उनके खिलाफ सर्च वारंट निकाला गया है और इसके बाद तत्कालीन एसएसपी और निलंबित आईपीएस के सभी ठिकानों पर छापेमारी का काम जारी है। बिहार शिक्षक नियुक्ति के छठे चरण की काउंसलिंग अगले सप्ताह से हो सकती है शेड्यूल। बिहार शिक्षक नियुक्ति के छठे चरण की काउंसलिंग को लेकर हाईकोर्ट के द्वारा नियोजन करने की सहमति दे दी गई है, जिसके बाद विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन का अंतिम शेड्यूल अगले सप्ताह की शुरुआत में जारी की जा सकती है। बता दें कि यह शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए की जा रही है, जिसमें 32,000 रिक्त पदों को भरने की कोशिश की जाएगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित शेड्यूल के मुताबिक वर्ष 2017 से 2019 बैच के बीएड पास करने वाले अभ्यर्थियों की रुकी काउंसलिंग शुरू की जाएगी। बिहार में जानलेवा बने सिल्ट व धूलकण।
बिहार में बढ़ती ठंड के बीच अब नदियों के सिल्ट और धूल कण लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। बता दें कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब राज्य के कई जिलों के शहरों की हवा सांस ले लायक नहीं रही है। आए दिन शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच रहा है, लेकिन इन सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार की ओर से एक कार्य योजना बनाई गई है। बता दें कि यह कार्य योजना पटना, मुजफ्फरपुर और गया में पहले से लागू है, लेकिन अब इसे बिहार के अन्य 23 जिलों में भी लागू किया जाना है। इसके लिए हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक की गई थी, जिसमें जिलाधिकारियों को बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बुरे फंसे रामदेव और बालकृष्ण, जारी हुआ नोटिस। बिहार के बेगूसराय जिला में योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ इलाज के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद बेगूसराय न्यायालय फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोहिनी कुमारी की ओर से इन दोनों के खिलाफ समन जारी किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि बरौनी प्रखंड के निंगा गांव के निवासी महेंद्र शर्मा ने जून 2022 में आरोप लगाया था कि जून 2022 में पतंजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड महर्षि कॉटेज योग ग्राम झूला में इलाज के लिए करीब 90,000 रुपए जमा किया था, और जब 12 जून 2022 को इलाज करवाने पहुंचा तो वहां से इलाज नहीं किया गया और दोबारा राशि की मांग की गई। गीत से अंग्रेजी का ज्ञान देकर बच्चों को सिखा रहे टीचर। आमतौर पर शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके को लेकर कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं। इसकी कड़ी में एक और शिक्षक का नाम जुड़ गया है। बता दें कि यह वीडियो समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड के प्राथमिक कन्या विद्यालय मालदा में पढ़ाने वाले एक शिक्षक का है, जिनका नाम वैद्यनाथ रजक है। दरअसल इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो गाना गाते हुए काफी सरल तरीके से बच्चों को कठिन से कठिन अंग्रेजी का ज्ञान देते दिखाई दे रहे हैं। वहीं बच्चों को भी उनका यह पढ़ाने का अंदाज काफी पसंद आता है। इनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड हो रहा है। शिक्षक का कहना है कि वह बच्चों की आवश्यकता के अनुसार गानों को लिखते हैं और फिर उन्हें पढ़ाते हैं। बिहार के किसानों के लिए चिंताजनक खबर। कृषि जानकारों के अनुसार बिहार की मिट्टी में फसलों के लिए मौजूद उर्वरकता तेजी से घटती जा रही है, जो कि यहां के किसानों के लिए काफी चिंताजनक वाली खबर है। बता दें कि कृषि जानकारों के द्वारा कहे अनुसार अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों की तरह ही हमारे राज्यों के खेतों की भी हालत हो जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार की ओर से कृषि के समग्र विकास के लिए कृषि रोड मैप बनाकर बड़ी पहल की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में 60%, फास्फोरस में 45%, पोटास में 28%, जिंक में 42%, बोरोन में 18% और सल्फर में 24% की कमी आई है। पटना में 10 दिसंबर को जुटेंगे देश भर के जेडीयू नेता। बिहार की राजधानी पटना में 10 दिसंबर को जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें देश भर के जेडीयू के नेता शामिल होंगे। बता दें कि यह बैठक पार्टी कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित की जाएगी। वहीं इसके अगले दिन यानी कि 11 दिसंबर को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में खुला अधिवेशन की भी तैयारी की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले यह दोनों कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होने वाला था, लेकिन उमेश कुशवाहा के कहे अनुसार दिल्ली में जगह नहीं मिल पाई, जिस वजह से यह दोनों कार्यक्रम पटना में आयोजित करना पड़ा। एशियन अंडर 19 रग्बी चैंपियनशिप के लिए बिहार के इन बच्चों का हुआ चयन। बीते दिन मंगलवार को एशियन अंडर 19 रग्बी चैंपियनशिप के लिए बिहार के 4 बालक और 4 बालिकाओं का चयन किया गया है। बता दें कि जिन बालक बालिकाओं का चयन किया गया है उनमें आरती कुमारी, सपना कुमारी, धर्मशीला कुमारी, अर्चना कुमारी, अरमान आलम, हर्षराज, सौरभ कुमार और राजू कुमार का चयन किया गया है। वहीं अरमान आलम को पुरुष वर्ग के अंडर 19 भारतीय रग्बी टीम का कप्तान के रूप में भी चयन किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि रग्बी चैंपियनशिप नेपाल के काठमांडू में 10 से 11 दिसंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर देश के कुल 30 बालक और 30 बालिकाओं का चयन किया गया है। सुधाकर सिंह फिर बढ़ाएंगे नीतीश कुमार की परेशानी। राज्य में मंडी व्यवस्था शुरू करने को लेकर सुधाकर सिंह को नीतीश कैबिनेट से अपना इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद लगातार उन्हें नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करते देखा गया है। बता दें कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार नहीं चाहती कि राज्य में मंडी व्यवस्था की शुरुआत की जाए, तो वहीं दूसरी ओर सुधाकर सिंह के द्वारा यह घोषणा कर दी गई है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में वो प्राइवेट रूप में सभी के बीच मंडी बिल को प्रस्तुत करने वाले हैं, जिससे नीतीश सरकार को काफी परेशानी बढ़ सकती। सुधाकर सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वह शीतकालीन सत्र में कृषि उपज और पशुधन विपणन एवं मंडी स्थापना विधेयक के नाम से मंडी बिल प्रस्तुत करेंगे। इस बिल में किसानों के हित से जुड़ी सभी मुद्दों पर बात की जाएगी, जिससे बिहार के किसान लाभान्वित हो सके।
अगले साल इस टीम के खिलाफ वापसी कर सकते हैं जसप्रीत बुमराह। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने पीठ की चोट के कारण पिछले 2 महीने से भारतीय टीम से बाहर है, लेकिन अब यह उम्मीद की जा रही है कि वह अगले साल श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले मैच से टीम में वापसी कर सकते हैं। बता दें कि बीसीसीआई के एक अधिकारी के द्वारा इनसाइड सपोर्ट से यह जानकारी दी गई है कि जसप्रीत बुमराह इस महीने के अंत तक एनसीए में रिपोर्ट करेंगे, जिसके बाद मेडिकल टीम उनके स्वास्थ्य के बारे में समझेगी और फिर चयनकर्ता यह फैसला लेंगे कि जसप्रीत बुमराह को अगले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मैच में रखा जाए या नहीं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.82 रुपए और डीजल की कीमत 94.56 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.57 रुपए और डीजल की कीमत 95.28 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, सबाना कौसेर, शिवशंकर प्रसाद गुप्ता, रविशंकर, सुशील कुमार, मोहम्मद नौशद राजा, मुट्टू रंगीला, वीरेंद्र सिंह, अब्दुल्ला आलम, लक्ष्मी मेहता, प्रकाश कुमार, के सिन्हा, बाबूलाल मरांडी, कविता कुमारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हर घर नल जल योजना से कितने संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।